से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें। तंजो मजाह का शायर जब गुफ्तगु करता है तो यूं करता है कि मिठाई देखकर बाजार में जब दिल मचल उठा, नमक लेने गए थे हम मगर लेकर शकर आए। बुलंदी से जब कुछ इंसानों को गिरते हुए देखा, चढ़े थे ताड़ पर हम भी मगर फौरन उतर आए। आइए विकास बौखल का आप हजरात एक जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए। खान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो बराह करम स्टेज पर तशरीफ लाए। गुलाम खान साहब से इल्तिमास है कि वो बराह करम स्टेज पर तशरीफ लाए। शुरू कर रहे हैं मुख्तार भाई, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बौखल नाम सुनते ही कुछ लोग हंसने लगे हैं, इससे हमको आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी बिरादरी के लोग यहाँ हैं। हम मंच पे अकेले बौखल नहीं हैं, तमाम हमारे बड़े भाई सामने बैठे हैं। वाह वाह वाह। और ये मोहतरमा आई अभी शायरी पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और बता रही थी कि चार पंक्तियां मैं चार लाइनें दे रही हूँ गयासुद्दीन भाई को, चार नौजवानों के दे रही हूँ। अब ये चार चार सबको क्यों दे रही हूँ? इनको एक मशविरा देना चाहता हूँ कि दिल किसी एक को दो और हो सके तो किसी नेक को दो। वाह 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 वाह। ताली बजाओ, हो ना करो फिर, बहुत बढ़िया कवि है। अभी तारीफ कर दी मुख्तार भाई ने, आप लोगों ने विश्वास कर लिया होगा कि बौखल आदमी है, बढ़िया होगा। लेकिन हमारा तो एक ही मानना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वाह 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 वाह। कि दिल किसी एक को दो, हो सके तो किसी नेक को दो, ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। भाई साहब फोटो खींच रहे हो? हाँ हाँ खींच लीजिए, आएगी नहीं मैं जानता हूँ। ऐसे महाभारत में दुशासन खींच रहा था, नहीं जब से डिजिटल कैमरे चले हैं बड़े डर लगता है, चेहरा विकास बौखल का लगा दिया। थोड़ा होशियारी से खींचिएगा, बहुत बढ़िया कवि, बहुत अच्छे, वाह वाह, मतलब मजा। देखो अनवर भाई बैठे हमारे बड़े परम मित्र हैं, परम नहीं जघन्य मित्र हैं। इनके घर अक्सर हम आते जाते, एक दिन पहुंच गए, इनका लड़का अमरूद तोड़ रहा था। हमने कहा अनवर भाई इसको मना कर दो, नहीं चोट खा जाएगा। इन्होंने कहा नहीं मना करेंगे। हमने कहा क्यों? कहा लड़का नहीं हमारा भतीजा है। हमने कहा फिर लड़का कहाँ का है? लड़का तो हमारा वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। जोरदार तालियां बजा दे। भुट्टू भाई बैठे, तमाम मुशायरे करवाते, आजमगढ़ के बादशाह है मुशायरे के मामलों में, तालियां इनके। हाँ बताइए भाई। अच्छा आप यहाँ हो? अच्छा अच्छा, हम समझ रहे थे कि मनरेगा की खुदाई में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन मुशायरा चल रहा है। हम भी बहुत बढ़िया कवि हैं, पूरी गारंटी है। मजाना हो तो पैसे वापस, वो बात अलग है, अभी मिले नहीं है। बात चल रही थी, देखिए तमाम बच्चे बैठे हैं। अभी जब मोहतरमा तो कह रहे थे कि वाह वाह करो, है तमाम लोग, तमाम शायर कवि, अरे कविता बढ़िया पढ़ो, शायरी बढ़िया पढ़ो, तो वाह वाह वैसे होगी। पता लगा गुम्मा मार रहे हो। अब बच्चे तमाम बैठे, ये देखो सामने बच्चा बैठा था, बिल्कुल डेढ़ डेढ़ फुट कूदा जा रहा था। हमसे काबिज भाई कह रहे थे लड़का क्या कविता सुनेगा। हमने कहा ये जो है भी मंडी के बच्चे हैं, बड़े होशियार हैं। हम शाम को आए, एक बच्चे को बोला, हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है? बोला टिंकू नाम है। हमने कहा तुम्हारी उम्र? बोला 9 साल। हमने कहा तुम्हारी पापा की उम्र? बोला 9 साल। हमने कहा तुम्हारी मम्मी की? बोला 9 साल। हमने कहा वो कैसे? अरे कहा अंकल जी, जब हम पैदा हुए तभी तो मम्मी पापा बने, इसके पहले तो पति पत्नी थे। इतने होशियार बच्चे, जा कितना बढ़िया मुशायरा चलेगा। कभी कभी बच्चे बड़ा टेढ़ा प्रण कर देते हैं। भाई विकास भाई, एक बार अपने बच्चे को लेके हम शादी के फंक्शन में गए, लड़के ने कहा पापा आपकी शादी ऐसे? हमने कहा ऐसे हो। बोले ऐसे ढोलक मंजीरे बजे? हमने कहा ऐसे बजे। फिर बोला आपकी शादी हुई किससे? हमने कहा तेरी मम्मी से। बोला धत तेरी की घर के घर में कर ली, क्या मजा आया होगा। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के सम्मान में बजा दे। अब हम कविता तो आप पढ़ेंगे, अभी तो केवल मड़फा बांध रहे थे। चार पंक्तियां सुनिएगा। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें हुई, अब बताओ इतनी लंबी मोहब्बत क्यों ने काम की? 11 बज रहा तुमको मोहब्बत सूझी? करते रहो पुलिया पे, मिल जाओ हाथ पैर तोड़ दिए जाए, मतलब कोई नहीं। हमारी कविता में दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमारे खुदे इतना दिमाग नहीं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। चार पंक्तियां सुने, मजे आए तो पूरे मजमे से जोरदार तालियां चाहूंगा। सुनिए चार पंक्तियां। कि चलो माना कि तुम हमका अपन महबूब समझे हो,
चलो माना कि तुम हमका अपन महबूब समझे हो, हम हूँ माने थे तुमका कतना यू तुम खूब समझे हो। और जौन मन मा हुए तुम्हारे वो साफ है साफ कह जा रहा हो, 6 महीना से लटकाए हो का बेकूफ समझे हो। वाह 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 वाह। कि जौन मन मा रुखसार जी बैठी हैं, मुशायरा में सभी शायरों को बुलाया, बड़ा अच्छा मुशायरा उन्होंने आयोजित किया, 4 पंक्तियां, और बताया कि जो है नौजवानों के लिए कविता पढ़ रही हूँ, शायरी पढ़ रही हूँ। हमने कहा बूढ़े भी तो बैठे हो, तो भूतपूर्व नौजवान है। हमारे दादा बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनसे पूछा हमने कि मंचे पे प्यार दुलार की बात करते कि घर में भी कुछ करते हो, उन्होंने जो बताया हमने 4 पंक्तियां बना दी, सुनिएगा। कि मन तो करता है मगर सबर करते हैं। वाह। कि प्यार मोहब्बत करें, मन तो करता है मगर सबर करते हैं, और अभी मोहब्बत इस कदर करते हैं कि पहले तो थे सिर्फ लब करने में माहिर, अब और उन्नति है लब लबर करते हैं। वाह। पहले तो थे सिर्फ लब करने में माहिर, अब और उन्नति है। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हमने भगवान श्री कृष्ण से वंदना की, प्रभु इस धरती पर आए तो बड़ी होशियारी से और किन किन चीजों से बच के आए। 4 पंक्तियां सुने, अच्छी लगे तो जोरदार समर्थन करें, सुनिएगा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिनसे टाप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। हो दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। दो दो सिम वाले हैं मोबाइल। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि सुनो घन श्याम पिज्जा बर्गर देख देख, चोरी चोरी माखन का खाना भूल जाओगे। और डांस पार्टी में अर्ध नग्न नारियों को देख, नाच नंद रानी को दिखाना भूल जाओगे। अब बिना डीजे के न गोपियां करेंगी नते, आप यहाँ बांसुरी बजाना भूल जाओगे। हो बदनाम मुन्नी सीला की जवानी देख देख, रास वृंदावन में रचाना भूल जाओगे। बदनाम। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दू तुम्हारी, बेटा पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दू तुम्हारी, बेटा पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप है और बेटा दोनों को पसंद है। मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मोबाइल में सब लोग बना रहे हैं कैसे, सुनिएगा मोबाइल पे 4 पंक्तियां। गांव देहात में अक्सर जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता है, बड़ी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पैन करीगे। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पैन करीगे। और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करे, कुछ देर बाद मस्त बातन म परीगे। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, बजाओ ताली बजाओ ना करो, कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करीगे। भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करीगे। और छत के खत्म हो तो बावा गोड़ खाले परा, मुंह भरा गिरे धुनो जबड़ा उखरीगे। वाह। आइए भाई विकास बोखर साहब, आइए आइए। हाँ। असल में हम जा नहीं रहे थे, हम देख रहे थे, आप लोग सुनना चाहते हैं कि ऐसे बैठे हैं, पीछे के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अब हम देखते हैं दो दो कौड़ी गानों ताली बजा देते हैं। विकास बोखर साहब हैं, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये तंजो मजाह के शायर हैं। एक मरतबा ये जंगल का सफर कर रहे थे और रास्ते में आधी पानी आ गया,
ये अपना सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बहुत दूर इनको एक कुटिया नजर आई। जब ये वहां पहुंचे तो उसमें एक दोशीजा बैठी हुई थी। बहरहाल ये बात हुई और रात में इन्होंने कहा कि भाई आपका मेहमान हूं। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मेरे पास एक चटाई है और एक चारपाई, आप चारपाई पर सो लीजिए, मैं चटाई पर सो लेती हूँ। बहरहाल मामला तय ये हुआ कि एक चारपाई पर एक तकिए का आड़ करके दोनों सो गए। सुबह हुई, ये वापस होने लगे, फिर देखा कि रास्ते में एक बहुत मोटा पेड़ रास्ता रोके हुए है। ये फिर पहुंचे और दोशीजा से कहने लगे कि कोई कुल्हाड़ी हो तो दो, रास्ते में बहुत मोटा पेड़ रास्ता रोके हुए है। तो दोशीजा ने झुंझला के कहा कि जो रात भर में एक तकिया नहीं हटा सका वो इतना मोटा पेड़ कैसे हटा सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो माइक पर जनाबे विकास पोखल बार बंद। बहुत अच्छी बात है। तो तकिया वाली बात सही है लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। तकिया के बगल यही थे है, नहीं तो हम हटा ना देते है? अगर ये ना होते तो तकिया पक्का हटा देते। बहुत अच्छे भाई विकास भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे लग रहे हैं, देखो रुखसार जी बैठी हो, ये ऐसा लग रहा है जैसा किसी ब्यूटी पार्लर के बगल पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग धरी हो। जोरदार तालियां बजा दे उनके सम्मान में, बहुत बढ़िया निजामत कर रहे हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं। और हमको तो बड़ा टेंशन हो जाता है, आजकल भ्रष्टाचार बहुत तेज है। भ्रष्टाचार बाबा रामदेव आए हैं मिटाने, हमको तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, बड़ा टेंशन में हो जाते हैं। बाबा रामदेव अब बताओ, हमारी टेंशन में इसलिए हो जाते कि हमारी बीवी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अब पत्नी हमारा धन है, पत्नी हमारी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कहते काला धन वापस करो, टेंशन हो जाती, काला धन वापस करो। अच्छा वापस करो उसके बाद सार्वजनिक कर दो। ताली बजाओ जोरदार, बहुत बढ़िया कवि है। दो दो कौड़ी गानों ताली आप लोग बजा देते जिनका कोई मतलब नहीं। एक आदमी से पूछा गया भाई साहब शराब पीते हो, तो उसने कहा जानकारी चाह रहे हो कि दावत दे रहे हो, मतलब कहो कुछ और समझ में कुछ और आता। ताली दो दो कौड़ी के गाने, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हमने कहा भी कोई गाना है, आज भी है कल भी रहेगा, हमने कहा प्रेमियों की भूत हो। दो दो कौड़ी गानों ताली, सुहागरात है घूंघट उठा रहा हूं, हमने कौन सा हाथी मार रहे हो, सुहागरात तुम्हारी तो घूंघट कानो और भाई उठावेंगे। दो दो कौड़ी गानों कोई मतलब नहीं, ताली बजा बिना मतलब के गानों कोई मतलब, ताली बजाओ जोर, बहुत बढ़िया। दो दो कौड़ी गानों, वाह 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 वाह, और बढ़िया कविता हो रही तो लग रहा किसी कवि की तेरे ही खाने बैठे। दो दो कौड़ी गाने, साजन मेरा उस हम तो तेरी जुल्फों में रह लेंगे, हमने कहा आदमियों ससुर की जुआ हो, तुम्हें तेरी खुशबूस पहचान लेंगे, हमने कहा आदमियों की कुत्ता हो खुशबूस कही। दो दो कौड़ी गानों ताली बजाते, साजन मेरा उस पार, हमने कहा ऐसा नहीं उस पार है, 40,000 ये क्या भुट्टू भाई कुधार है उस पे है। दो दो कौड़ी गानों ताली बजाते, एक लड़का भी सिगरेट पी रहा था, गाना गा रहा था, जब हम जवां होंगे जाने का, हमने कहा बेटा जब तुम जवां होंगे तो सीधे वहां होंगे। ताली बजाओ जोरदार, एक कविता सुना दे, बीच बीच में मड़फा बांधना पड़ता है। एक बार या कोई पुलिस का आदमी तो नहीं है, हालांकि पुलिस के आदमी नहीं होता है, लेकिन अगर है तो बराबर दूरी बनाए रखे। एक बार हम कभी सम्मेलन से वापस आए, दरोगा जी ने हमको पकड़ लिया। एक छोटी सी कविता सुनिएगा कि हमका 4 बजे एक पछलहरा अग्रवाद दरोगा लेहिस पकड़े, हमका 4 बजे एक पछलहरा अग्रवाद दरोगा लेहिस पकड़े, वही का को छंपर शंका भाई खूब लेहित तलाशी अगर पछरे। तो हम कहा कि शंका दूर करो, आज जगते रात बिताए हम, हम कहा कि शंका दूर करो, आज जगते रात बिताए हन, कभी सम्मेलन मा गए रहन युद्याव लिफाफा लाए हन। वाह, कि सरऊ बौखलन के लूटत था उतरा कह के जुटियाए परा, कि लंबे गुल्लन के बेतले हो मार सटासट खींच दिस, कि लंबे गुल्लन के बेतले हो मार सटासट खींच दिस, कुछ कहे बदे मुंह खोली हम पहले मुहे मुंह पीट दिस। तो जब मारपीट का बंद कहे तब मोचन पर यहाँ दे ताओ, जब मारपीट का बंद कहे तब मोचन पर यहाँ दे ताओ, तैके 2-3 लात मारे ले ले लिफाफा कहे जाओ। वाह वाह, कि तैके 2-3 लात मारे ले ले लिफाफा कहे जाओ। तो जब हुआ छुट्टी पावा तो फिर मंदिर गए नरदास कीन, श्री राधा कृष्ण के चरणन में अपन खुपड़ी निहुराए दीन, तो जो हमरे ऊपर बीता हम वो अपन व्यथा कहे लागेन, अपने और दरोगा जी के दोनों जने के तई भर मांगेन, कि इनका
जन्म में कई प्रमोशन एसोस कप्तान बनाए दे हो, इनका जन्म में कई प्रमोशन एसोस कप्तान बनाए दे हो, हमका कौनो खुखार बड़े नेतक प्रेमिका बनाए दे हो, कि हमका कौनो खुखार बड़े नेतक प्रेमिका बनाए दे हो, बस कसर हम इनके काढ़ लिया, कि बस कसर में इनके काढ़ लिया, अभी देख का हमका थर रही है, जब इन्हें का सिनका डांट तब तब बैठ के खोपड़ी लटकई है, तो यू कही थे तुमसे मुरली वाले इतना हमरे बद कही डाल रहो, वरदान हो यू मन का तो फिर द्वासर बर दई डाल रहो, कि द्वासर अरदास लगाई थे चाहो वरदान बनाए दियो, इनका जवाहर रोजगार योजना हमका प्रधान बनाए दियो, तो हमका जैस पछारिन है हम इनका तैस पछार दे आप, ये कतरों लाखन से है हम साथ न ले आप बेकारी जा। हेलो।